काम करते हैं यहाँ पे अर्निंग्स पे चलते हैं। वी मार्ट रिटेल के Q4 नंबर्स आए हैं आपके स्क्रीन पे नंबर्स। यहाँ पे रेवेन्यू करीब 12% बढ़ा 668 करोड़ रुपए, एबिटा अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ रुपए के आसपास। मार्जिन 6% की ट्रैजेक्टरी में थे लेकिन लॉस इस क्वार्टर में बिकॉज ऑफ आई थिंक वो जो करीब 25% का इजाफा हुआ एक डिप्रिशिएशन की एंट्री में 48 करोड़ रुपये की रही। फाइनेंस कॉस्ट में इनकी थोड़ी सी अगर आप देखें तो बढ़ोतरी हुई है 33 करोड़ से बढ़ के करीब 7.5% बढ़ के 36 करोड़ रुपये रही है। ओके, तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया है। हमारे साथ कंपनी के CFO श्री आनंद अग्रवाल जुड़ चुके हैं। अग्रवाल सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी मैं आई थिंक बॉटम लाइन आई थिंक इज डेप्रिशिएशन और फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर आऊँगा, बट लेट्स टॉक अबाउट टॉप लाइन फर्स्ट। यहाँ पे टॉप लाइन में आपके इस वक्त दिखाई दे रही है ग्रोथ करीब करीब 12.5% की। अभी जो हमारी कंजम्पशन साइकिल है FY25 के अगर आप फर्स्ट हाफ को देखें, क्योंकि एक चुनावी वर्ष है, इसके शुरुआती 1-2-3 महीने तो इन्हीं गतिविधियों में निकल जाएंगे, तो ये कंजम्पशन में थोड़ा सा आप बढ़ोतरी देख रहे हैं और फर्स्ट हाफ में आपका मान के चलो कि पिछले 2-3 महीने के ट्रेंड को देखते हुए शुरुआती 6 महीने में रेवेन्यू में कितना उछाल देख रहे हैं या फिर ये फ्लैटिश ट्रेंड पे रहेगा? जी, जो अभी तक नजर आया है पिछले 4-5 महीने में जिस तरीके से रुझान आए हैं Tier 3, Tier 4 टाउन्स के कंजम्पशन के, रूरल एरियाज के कंजम्पशन पैटर्न से, तो बनिस्पत पिछले 1-2 साल से जो थोड़ी वीकनेस चल रही थी उसमें थोड़ी मजबूती डेफिनेटली नजर आ रही है। एंड इसी वजह से पिछले 4-5 महीने से हम लगातार सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देख पा रहे हैं। So, जो आगे आने वाले 6 महीने हैं उसमें भी मेरे को लग रहा है कि वी शुड सी, हमें कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आना चाहिए। तो स्टेबिलिटी तो खैर रहेगी लेकिन मेरे को लग रहा है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ ठीक ठाक आ सकती है। तो एक जो इसमें डिस्टर्बिंग फैक्टर है वो है इलेक्शन, जैसे आपने सही कहा। तो इलेक्शन की वजह से नॉर्मली जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे थोड़ी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, उसकी वजह से पूरा शहर बंद हो जाता है, विलेज बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है 1-2 दिन के लिए। लेकिन अदरवाइज जो मोमेंटम चल रहा है उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि मार्केट में रूरल एरियाज में खासतौर पे थोड़ी मजबूती है कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो दुकानें हैं वो ज्यादा Tier 3, Tier 4 टाउन्स में है और वहां पे ही सबसे ज्यादा कमजोरी थी पिछले 2-3 साल से, जो कि अब थोड़ी मजबूती में कन्वर्ट होती नजर आ रही है। ओके, ये महत्वपूर्ण बात कही आपने कि एटलीस्ट जो रूरल मार्केट्स हैं वो कैचअप में उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। मैं अगर आपकी जो ज्योग्राफिकल आपकी प्रेजेंस है उसमें ईस्टर्न मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, यूपी थोड़ा सा आपका कमज़ोर पड़ा है, साउथ मार्केट कैसा कर रहा है, और जिस रूरल ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ महीनों में क्वार्टर्स में पड़ेगा, ईस्टर्न पार्ट यूपी साउथ एग्जैक्टली डिलीवर क्या करेगा, कहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे I think numbers की उम्मीद है? I think south थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए। south पिछले 1 साल से थोड़ा सा कमजोर परफॉर्मेंस कर रहा था, उसमें हमारी भी कुछ गलतियां थी, हमने भी बहुत सारे करेक्शंस करे हैं अपने ऑपरेशंस में। south में इन्वेंट्री का बहुत बड़ा करेक्शन करा है, नया मर्चेंडाइज पूरा लॉन्च करा है, कुछ स्टोर वहां बंद भी करे हैं जो अच्छे नहीं चल रहे थे, और जो नए स्टोर खोले हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो साउथ को लेके हमें लग रहा है कि काफी अच्छी हमें बढ़त मिल सकती है। सिमिलरली यूपी भी पिछले 1-2 साल से थोड़ा वीक चल रहा था, क्योंकि वहां पे हमारे जो स्टोर्स हैं ज्यादातर Tier 3, Tier 4 टाउन्स में ही हैं, एंड सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आया था इन्फ्लेशन का और जो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से जो कमजोरी थी मार्केट में, वो सबसे ज्यादा हमें यूपी बिहार में नजर आ रही थी। तो ये दोनों मार्केट्स में एटलीस्ट पिछले क्वार्टर में रिबाउंड देखा है। थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हो सकता है थोड़ा डिस्टरबेंस रहे अगले 1 महीने, बट अदरवाइज मेरे को लगता है कि ये दोनों मार्केट्स अच्छे करने चाहिए। पिछले क्वार्टर में ईस्ट इंडिया ने काफी अच्छा करा है, इनफैक्ट ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया ये दोनों मार्केट्स बहुत अच्छे करे हैं। यूपी ने भी कैचअप करा है एंड इसीलिए मेरे को लगता है कि यूपी एक बहुत मेजर और महत्वपूर्ण मार्केट है हमारे लिए। तो यूपी अगर अच्छा करता है तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें फिर ओवरऑल कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छी आ जाती है। यूपी ने वापस फायर करना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से डिस्टरबेंस रहे, बट अदरवाइज मेरे को लग रहा है कि यूपी शुड परफॉर्म बेटर।
मिस्टर अग्रवाल, पिछली बारी भी जब आपसे बात हुई थी, मैंने आपसे यही पूछा था कि ई कॉम में लाइन रोड का जो एक्विजिशन अब कैसे प्ले आउट करेगा. वहां पर बिट्टा लॉस कम हुआ इस क्वार्टर में एज फार एज आई कैन सी. हाउ फार इज इट फ्रॉम ब्रेकिंग इवन? क्या मदद कर पाएंगे उस पर कुछ इंसाइट देने की? जी, ऑनलाइन का जो बिजनेस है बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट डेफिनेटली जो हमारी कोशिश रही है और जो मैंने पहले भी आपसे बातचीत करी हर्षिता, कि हर क्वार्टर हम लाइम रोड का लॉस डबल डिजिट्स में कम करेंगे एंड पिछले तीन क्वार्टर से वही कर रहे हैं. इनफैक्ट लास्ट ईयर से 44% क्वार्टर का हमने लॉस कम करा है एंड जिस हिसाब से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर, शायद आखिरी महीने में या शुरुआत ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हम इसको थोड़ी और बेटर सिचुएशन पे देख सकते हैं. लेकिन कोशिश यही है कि हर क्वार्टर हम इसका लॉस और कम करते चले जाएं. एंड इसमें जो हमारा मेन काम हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम इसको कैसे वीमार्ट के ऑफलाइन कस्टमर्स के साथ जोड़ सकें. जो हमारा ओमनीफिकेशन है वीमार्ट का, जो हमारे रिटेल के कस्टमर्स हैं, अगर उनको कोई साइज नहीं मिल रहा है, उनको कोई कलर नहीं मिल रहा है दुकान पे, तो हम उसको कैसे जल्दी से जल्दी लाइम रोड के थ्रू मुहैया करा दें. तो इस तरह से हम अपनी मार्केटिंग कॉस्ट भी कम कर लें और इस बिजनेस को और बड़ा कर पाएं. जब प्रॉफिटेबिलिटी में इस बारी थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का ओवरहैंग था, क्या वो इसी क्वार्टर का इम्पैक्ट है या फिर वो आगे अगले साल फर्स्ट Q1 में भी दिखाई दे सकता है? नहीं, रहेगा वो डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने जो नया बिजनेस 2-3 एक्वायर करे हैं एंड उनका कुछ स्टोर्स भी बंद करे हैं, तो उसकी वजह से इस क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा डेप्रिसिएशन आया है, जिसको एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं. जो हमने 19 स्टोर बंद करे इस क्वार्टर में, तो गोइंग फॉरवर्ड उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आएगा बनिस्पत पिछले साल से. लेकिन इस क्वार्टर से आगे चल के डेप्रिसिएशन थोड़ा कम हो जाएगा. फाइनली सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, FY25 के लिए जो आप ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसके सामने कितने नए स्टोर्स, कितना और फुटप्रिंट बढ़ाना चाहेंगे? आई थिंक इस साल हमने 46 नए स्टोर खोले थे एंड 25 पुराने बंद भी करे जो नई परफॉर्म कर रहे थे. नेक्स्ट ईयर हमारा जो प्लान है, 40 से 50 स्टोर डेफिनेटली हम नए स्टोर खोलेंगे एंड हो सकता हो 5-7 स्टोर और बंद करें जो कि नहीं हमारी कसौटी पे खड़े उतर रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल नहीं है. बट हाँ, 40 से 50 नए स्टोर डेफिनेटली हमें खोलने चाहिए अगले साल में भी. अच्छा सर, मैं पूछूं आपसे कि क्योंकि आपका इंटरेस्ट बर्डन सब्सटेंशली इंक्रीज हुआ है अग्रवाल साहब, एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग डेट कितना है बुक पे और FY25 में आप लोगों ने कुछ नंबर्स सेट किए हैं टारगेट्स पे कि इतना डेट पे कर दिया जाएगा, सो दैट आई मीन ये जो क्वार्टरली आपकी फाइनेंस कॉस्ट है जो कि इस बार करीब करीब 36 करोड़ रुपये रही, ये थोड़ा कम हो? जी, जो इंटरेस्ट कॉस्ट आप देखते हैं ये एक्चुअली इंड एस 116 का की वजह से ऑप्टिकली आपको नजर आती है, ये एक्चुअली रियल इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है. जो हमारी बुक्स पे आउटस्टैंडिंग है वो रफली अराउंड 80-90 करोड़ की है और वो भी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल डेट ही हम यूज करते हैं. हमारे पास कोई बहुत ज्यादा कभी भी लॉन्ग टर्म डेट हमने कभी लिया ही नहीं और डेट हमेशा हमारा कंट्रोल में रहा है. पूरे साल की जो रियल इंटरेस्ट कॉस्ट है वो मेरे ख्याल से 15-16 करोड़ के आसपास की ही है. तो गोइंग फॉरवर्ड इस साल भी हमने करीब 40 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट करा है एंड गोइंग फॉरवर्ड जितना भी हमारा केपेक्स था, जो बड़े बड़े हमें एक्विजिशंस थे, दो हमने एक्विजिशंस करे थे, वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं. तो अब हम फ्री कैश फ्लो जनरेशन की तरफ जा रहे हैं एंड अगले साल से हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट और कम हो जानी चाहिए और जो छोटा मोटा वर्किंग कैपिटल डेट है वो भी और कम हो जाना चाहिए. ओके, अग्रवाल साहब, बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और नंबर्स पे और अगले दो क्वार्टर्स के लिए अपना आउटलुक FY25 के लिए आउटलुक रखा. बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट क्वार्टर सर, फिर मुलाकात होगी आपसे, बात होगी. वी मार्ट डिटेल आपके स्क्रीन पे आएगा और